टॉपिक इज इनविटी इन ट्रे क्लास एस सी में जो ट्राइंगल में जो इन इक्वलिटी हम आज पढ़ने जा रहे हैं तो पहली चीज समझते हैं वॉट इज द इन इक्वलिटी इनइक्वलिटी होती क्या चीजें ठीक है इनईक्वलिटी मीन्स विच इज नॉट इक्वल नाउ दिस इन दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ये जो सिंबल है हमारे सामने इसको हम बोलते हैं इज ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन ये ग्रेटर देन का सिंबल है और अगर हम इसको ऐसे बना लें तो ये हो जाएगा लेस देन का सिंबल ये हो जाएगा ग्रेटर देन एंड और इक्वल टू ग्रेटर देन और ये इंग्लिश वाला वर्ड और है ग्रेटर देन और इक्वल टू सिमिलर ये क्या हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू देर आर फोर टाइप ऑफ इन इक्वलिटी पहली क्या है ग्रेटर देन दूसरी क्या है लेस देन थर्ड वन क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर्थ क्या है लेस देन और इक्वल टू यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि जिधर ये ओपनिंग होगी वो वैल्यू ग्रेटर होगी जिधर ये क्लोज होगा है ना ये वैल्यू स्मॉलर होगी कैसे इसको समझते हैं जरा सपोज दैट हमने लिखा यहाँ पे टू इसको पढ़ेंगे टू इज ग्रेटर ये जो ओपनिंग है ये वाली वैल्यू वाल। जिधर ये होगा अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ नाउ वी कैन से पढ़ सकते हैं जिधर जिधर ओपनिंग है वो हमेशा बड़ा होगा, वो छोटी होगी। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है सिमिलरली एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू फोर है That means जो x होगा या तो वो फोर के बराबर होगा या तो वो फोर से बड़ा होगा ठीक है फोर टाइप ऑफ इनइक्वालिटी होती है इन प्रेजेंट अब आते हैं ट्राइंगल पे ट्राइंगल में जो पहली थ्योरम है हमारी द फर्स्ट थ्योरम उसमें क्या है एक ट्राइंगल हमारे पास एबीसी एबीसी इज ए ट्राइंगल ठीक है और इसमें कोई दो साइड इक्वल नहीं है लेट एबी और एसी सी आपस में इक्वल नहीं है और एसी की वैल्यू मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं सेवन और इसकी वैल्यू ले रहा हूं फोर ठीक है देयर फोर ए सी इज ग्रेटर ठीक इफ अगर ए सी ए सी ए सी जो है ए बड़ी है देन ए सी के अपोजिट एक एंगल है दिस इज दिस एंगल बी ठीक है दिस इज एंगल बी देर फोर यह जो एंगल बी है एसी के सामने वाला ये ए बी के सामने वाले एंगल सी से बड़ा होगा बी इज ग्रेटर देन सी होगा एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी ये ग्रेटर देन का सिंबल यहां पे। एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी ये पहली थ्योरम हमारी क्या है पहली थ्योरम फिर से समझ लें इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर अनइक्वल इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर अनइक्वल देयर फोर द लॉन्गेस्ट साइड हैज द ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट दैट मीन्स ए सी के सामने वाला जो एंगल ये है ये ए बी के सामने वाले एंगल से हमेशा बड़ा होगा क्लियर है चलिए आगे देखते हैं। अब इसी थ्योरम का कन्वर्स इसी का कन्वर्स क्या है? कन्वर्स समझिए अगर यही सेम केस इफ एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी तो बी के सामने वाली जो साइड होगी बी के सामने कौन सी साइड है ए सी है फोर ए सी इज ग्रेटर देन ए बी सेम वैसे ही अगर साइड बड़ी होगी तो एंगल बड़ा होगा अगर एंगल बड़ा होगा तो साइड बड़ी होगी ठीक है नाउ ये दो हमारी थ्योरम्स हो गई कंप्लीट आगे देखते जो थर्ड थ्योरम है वो है परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट साइड फ्राम अ पॉइंट टू अ लाइन सेगमेंट मतलब क्या हुआ ये पॉइंट ओ है हमारे पास ओ से अगर हम एक ओ से ए बी को ज्वाइन करेंगे ए बी एक लाइन है और ओ एक o कोई पॉइंट है तो जो शॉर्टेस्ट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी या कह लें जो परपेंडिकुलर होगा वो शॉर्टेस्ट होगा ठीक है सबसे छोटी लाइन यही होगी जो नाइनटी डिग्री बनाएगी अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो देखो तो तो ये लंबी हो, जाए, हो जाएगी लाइन यहाँ ठीक है इसी लिएपेंडिकुलर हो क्या होगा शॉर्टेस्ट साइड होगा थर्ड थ्योरम जो फोर्थ थ्योरम हमारे पास वो ये है सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड क्या मतलब हुआ समझिए पहले ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड लेट एस एज्यूम दिस इज फोर दिस इज फाइव थ्री फोर एंड फाइव ऐसे मान लेते हैं ठीक है ये सिर्फ माना है अज्यूम किया है तो इन दो साइड किसी भी दो साइड का सम सम ऑफ द एनी टू साइड सपोजेट थ्री और फोर को ऐड कर दें या फाइव और फोर को ऐड कर लें या फाइव और थ्री को एड कर लें हमेशा जो थर्ड साइड बचेगी लेफ्ट ओवर जो साइड होगी उससे बड़ी होगी दैट मींस ए बी प्लस ए सी ऑलवेज ग्रेटर देन बी सी ठीक है सिमिलरली अगर हम ले लें कोई भी दो साइड ले लें ठीक है इसका स्टेटमेंट क्या होगा सम ऑफ एनी टू साइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ग्रेटर थर्ड साइड जो बची हुई साइड होगी हमेशा उससे बड़ा होगा अब ए बी और ए सी हमने ले लिया था आप ले सकते हो ए बी और बी सी भी ले सकते हो ठीक है सिमिलरली एसी और बीसी भी ले सकते हो आप ऐड करके देखो ध्यान से थ्री प्लस फोर ऐड करोगे हमेशा ये फाइव से बड़ा आएगा सेवन आ गया ना सेवन फाइव से बड़ा हो गया इसी तरीके सारे थ्री और फोर को ऐड करो हो गया फाइव और फोर को नाइन नाइन हमेशा थ्री से बड़ा होता है फाइव और थ्री को ऐड करोगे है ना एट आ जाएगा वो भी फोर से बड़ा हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट थ्योरम थी इसी का एक जो फिफ्थ है पार्ट हमारा इसी क्वेश्चन इसी इसमें यहां पे मैंने बोला था सम अब बोल रहे हैं डिफरेंस difference difference of any two sides any two sides of a triangle difference of any two sides of a triangle is always less than the थर्ड साइड क्या मतलब है समझिए आप किसी भी दो साइड को डिफरेंस ले लो या इसी एग्जांपल में ले लेते हैं सम ऑफ ऑफ डिफरेंस 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 एनी टू साइड इन दोनों का लेते हैं और का आया वन वन इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड दैट इज फाइव अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं five, five और फोर का इनका डिफरेंस आया वन वो हमेशा थ्री से छोटा होगा इसी तरीके से अब हम ये ले, ले लेंगे एक बार ये करके देखते हैं फाइव और थ्री फाइव और थ्री का डिफरेंस हुआ हमारा टू और लेफ्ट ओवर साइड थी फोर टू इज लेस देन फोर ठीक है तो ये तो वेरीफाइड हो गया हमारा ये दोनों थ्योरम नंबर नंबर और थ्योरम थ्योरम एक्चुअली एक कोरोलरी ये, है, ये थी हमारे मेन ठीक है उसी का एक कोरोलरी पार्ट है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है क्या दो साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा और दोनों साइडों का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा सिंपल सी बात है इसको एक लाइन में याद रखना है दो साइडों का सम बड़ा होगा थर्ड साइड से दो साइडों का डिफरेंस छोटा होगा थर्ड साइड से चलिए देखते हैं आगे चलिए अब कंसाइज बुक के कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व करते हैं पहले क्या लिखा figure, है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए डी बाई सेक्ट एंगल ए दिस इज द ए डी एंड दिस एंगल इज ए पूरा एंगल यहां से यहां तक ए है ठीक है अगर ये एंगल ए है पूरा पूरा तो इसको बाइसेट कर रहा है कौन ए डी बाइसेट कर रहा है ये जो ए डी लाइन है ये इसको बाइसेट कर रहा है अगर बाइसेट करेगा तो ये जो ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया ये दोनों आपस में कैसे होंगे इक्वल होंगे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ठीक है ए डी बाइसेट एंगल ए अरेंज ए बी बी डी एंड डी सी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ ठीक है किसको किसको अरेंज करना मुझे ए बी बी डी और डी सी को ए बी दिस इज द ए बी बी डी दिस इज द बी डी एंड डी सी नॉ दिस इज डी सी इन तीनों को मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कौन सी बड़ी साइड है कौन सी छोटी साइड है ठीक है तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं ये एंगल होगा कितना कैसे निकालेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू वन डिग्री देयर फोर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एंगल ए इज इक्वल टू वन एट्टी ये हो गया हंड्रेड हंड्रेड उधर जाएगा माइनस हंड्रेड हो जाएगा एट्टी तो आएगा वैल्यू एक्टर लाइन था यह एडी बाई सेक्टर था एंगल का तो ये जो छोटे छोटे एंगल बने ये फोर्टी है और ये भी फोर्टी है 40 40. ना अब देखते कौन सी साइड बड़ी है कौन सी छोटी है अब इस डायग्राम पे फोकस करेंगे हम लोग चलिए सिर्फ डायग्राम पे फोकस करेंगे अभी सोल्यूशन नहीं देखेंगे इसको देखना ही नहीं है अगर हम इसको सोल्यूशन आप देखेंगे तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे इसका टेक्निक क्या होता है, ये एंगल 40 है, ये एंगल 40 है। हमें एंगल है एट्टी ये ए बी लेंथ है ए बी के सामने ठीक कौन सा एंगल है, है एट्टी है तो कौन सा बड़ा एंगल है बड़ा एंगल एट्टी वाला है

इन ट्राइंगल ए बी डी सबसे पहले लिखेंगे किस ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं इन बी डी ए बी डी सबसे पहले ट्राइंगल टेकअप किया उसके बाद क्या लिखा ए बी इज ग्रेटर देन ये कैसे ये इन्होंने इसका कोई रीजन नहीं दिया लेकिन प्रॉपर तरीका थोड़ा ऐसे है कि हम लिखेंगे एंगल एंगल ए डी बी ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल बी ए डी एंगल बी ए डी ए डी बी जो एंगल है वो एंगल बी ए डी से बड़ा है क्यों बड़ा है क्योंकि ए डी बी की वैल्यू 80 डिग्री है और बी ए डी की वैल्यू 40 डिग्री है ठीक डेयर फोर अब लिखेंगे देर फोर डेयर फोर यहां तक तो लिखने के बाद देयर फोर ए बी ए डी बी के सामने के साइड एडी बी एंगल है इसके सामने साइड ए बी है ए बी इज ग्रेटर देन बी डी ये दो साइड बड़ी हो गई ए बी और ये पता चल गया ए बी सबसे बड़ी है फिर उसके बाद ए बी और बी डी में हमने पता चल कर लिया नो प्रॉब्लम इन्होंने पता था असेंडिंग ऑर्डर किसमें ए बी और बी डी में हो गया अब डी सी को चेक करते हैं जरा डी सी ठीक है जहां तक तो क्लियर है कि ये बड़ी और ये छोटी हो गई अब पूरे इस ट्रैंगल में देखते हैं तीनों साइडों का क्या ऑर्डर होगा ठीक है सबसे बड़ा एंगल 80 है इसके सामने की जो साइड ये है फिर उससे उससे छोटा 80 से छोटा एंगल 60 है और 60 के सामने वाली साइड ए डी है ठीक है तो अगर हम एंगल को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले 80 इज ग्रेटर देन 60 60 एंड ग्रेटर देन 40 ऐसा ऑर्डर आता है तो 80 के सामने वाली साइड है वो ए बी और 60 के सामने ये 60 के सामने ये ठीक सामने ये साइड है ए डी इज ग्रेटर देन ए डी एंड 40 के सामने वाली साइड है बी डी तो ये पूरा तीनों ट्रायंगल के तीनों साइडों का ऑर्डर निकाल लिया ठीक लिखने में क्या करना है हमें ये तो आपको मैंने समझाने के लिए बताया पूरा ठीक है आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं कैसे एक ही लाइन में लिख देंगे सिंपली क्या लिखेंगे इन ट्रबीडी ए बी इज ग्रेटर देन देन ए ए डी डी एंड इज ग्रेटर बी डी ये स्टेटमेंट वन है दिस इज द स्टेटमेंट वन क्या लिखेंगे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर एक थ्योरम का कोट कर देंगे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर सिमिलरली यहां तक तो क्लियर हो गई तो सिर्फ आपको बताना था मुझे ज्यादा अच्छा होगा अगर इसके ऊपर हम एंगल भी लिख लें बट इट्स ओके आप ऐसे कर सकते हैं आगे देखते हैं ए डी इज ईक्वल टू डी सी कैसे ये एंगल फोर्टी और फोर्टी बराबर है तो ये ट्रा एंगल आई सो एसल हो जाएगा है ना हमने आई सो एसल पढ़ा हुआ दो एंगल अगर इक्वल होते तो ये साइड्स आपस में अपोजिट आप साइड्स क्या होती हैं आपस में इक्वल हो जाती है डेयर फोर ए डी इज ईक्वल टू डी सी अब ए डी और डी सी बराबर है ठीक है ए डी और डीसी बराबर तो इस ए डी की जगह इस ए डी की जगह हम डी डीसी पुटअप कर सकते हैं क्लियर नाउ ए बी इसी स्टेटमेंट फ्रॉम स्टेटमेंट वन यहां पर लिखेंगे फ्रॉम ए बी बी इज इज ग्रेटर ग्रेटर देन देन डी डी सी तो तीनों साइडों का ऑर्डर आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन द गिवन फिगर ए सी इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू ए सी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू ये लाइन पी क्यू है एंड बी सी टू सी डी बी सी इज ईकल टू सी डी यहां तक सो दट एज ग्रेटर ए बी ये जो साइड है ये ठीक है इस साइड को मुझे इस साइड से बड़ा करके दिखाना है. AE, ये A है, is greater than AB, ग्रेटर

ट्रायंगल ए e में अगर हम ये प्रूफ कर दे कि जो एंगल ए है है ना इसके सामने वाले से एंगल क्या बन रहा है ए बन रहा है और इस साइड के सामने एंगल बन रहा है सी अगर ये प्रूफ कर दें कि ए जो है, वो सी से बड़ा है एफ अगर ए सी से बड़ा है तो प्रूफ लिख देंगे सीधे सीधे ए इज एज थ्योरम हमें ये प्रूफ करना था उसके लिए ये प्रूफ कर दें तो ए और सी में से क्या रिलेशन बनाएंगे कैसे इसको प्रूफ करेंगे कि ए सी से बड़ा है ठीक है सारी सारा का हमारा यही होगा कि ए को हम सी से बड़ा प्रूफ कर दें देखिए से कैसे करेंगे ए सी से बड़ा एक ट्राइंगल है हमारे सामने ट्राइंगल है ए बी सी वाला ट्राइंगल ठीक और दूसरा ट्राइंगल ट्राइंगल है एक ट्राइंगल ए सी डी है ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्गोरेट है कैसे कांग्रेट है देखिए जान से ये एंगल 90 तो ये भी 90 होगा ये साइड और ये साइड बराबर है और ये जो साइड है ए सी कॉमन है तो साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड कांग्री से ट्रायंगल बिकम्स कॉन्ग्रेंट जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गया हम ये प्रूफ कर देंगे बाई सी पी सी टी एज इक्वल टू एंगल बी ए इज इक्वल टू एंगल बी हम ये प्रूफ कर ले जाएंगे ठीक है हमें ये समझ आ गई बात ठीक लिखने का तरीका क्या है आप इसको प्रूफ कर लेंगे ठीक है यह मैं करा देता हूँ चलिए देखिए मेरे साथ साथ कर लीजिए कॉपी में नोट कर लीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी पॉइंट नंबर वन पहला पॉइंट क्या है ए सी इज कॉमन ए सी इज कॉमन पॉइंट नंबर टू बी सी इज इक्वल टू सी डी क्यों क्योंकि ये गिवन है थर्ड पॉइंट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी ए सी डी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री बाय साइड एंगल साइड ठीक है बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेन ट्रायंगल ए सी डी ये हो गया प्रूफ ठीक है जैसे ही प्रूफ कर लेंगे उसके बाद लिखेंगे बाय सी पी सी टी बाई सी पी सी टी सी पी सी टी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कांग्रेस ट्राइंगल आर इक्वल ठीक है अगर आपने ये आपनेंगल की कांग्रेस नहीं पढ़ा तो पहले ट्राइंगल की कांग्रेस पढ़िएगा उसके बाद ही चैप्टर को करिएगा अदरवाइज ये चैप्टर आप नहीं कर पाएंगे बाई सी पी सी टी हो गया क्या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो गए नाउ क्या प्रूफ कर लिया हमने हमने ये प्रूफ किया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो गया अब एक ट्राइंगल है हमारे सामने ए डी एल इस वाले देखिए ध्यान से ई ठीक है इन ट्राइंगल ए ई ध्यान से देखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल देखो ये एक्सटीरियर एंगल है इस टाइंग ए डी ई का एंगल जो बी है वो एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर के बराबर सम ऑफ अपोज़िट इंटीरियर इसका ये एंगल किसके बराबर होगा इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है ये एक्सटीरियर है इंटीरियर एंगल कौन सा एक सी है और एक ये वाला एंगल है ठीक है तो सी वाले को तो सी नाम लिख दिया और इसका नाम होगा डी ए एंग डी ठीक है दो एंगल का सम है तो इट मींस हम ये कह सकते हैं एंगल जो बी है वो ग्रेटर देन है एंगल सी से क्यों क्योंकि बी जो है वो इसके और इसके सम के बराबर तो इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो बी इज ग्रेटर देन सी हो जाएगा बी सी से बड़ा हो जाएगा बी सी से बड़ा हो गया नौ जैसे ही एंगल बी सी से बड़ा हुआ हमारे सामने क्या है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी था एंड इफ एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी एंगल ए इज़ आल्सो ग्रेटर देन एंगल सी क्योंकि बी और ए आपस में बराबर है अभी हमने बराबर किया था बाई सी पी सी टी से इसको स्टेटमेंट वन नाम दे दीजिएगा फ्रॉम वन आप ऐसे लिख लेंगे ठीक है एंगल बी ग्रेटर सी अभी हमने प्रूफ किया स्टेटमेंट टू था हमारा ठीक है जैसे बी और सी से बड़ा हो गया तो ए बी सी से बड़ा हो जाएगा क्योंकि ए और बी आपस में बराबर ए और सी बराबर बड़े हो गए ए सी से बड़ा हो गया तो ए के सामने की जो साइड है ए के सामने साइड तो ए सी दिखाई पड़ रही है लेकिन ये ट्रायंगल नहीं कंसीडर कर रहे हम ट्रायंगल बड़ा वाला कंसीडर कर रहे हैं ए बी ई वाला इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो ए के सामने एक ये भी साइड है ये भी साइड है तीन साइड है तो हमें जो हमारे कंसिडरेशन में होगा वो हम लेंगे हमारे कंसिडरेशन में ए बी ई था थार फोर ए जो ए साइड e है इज ग्रेटर देन ए बी हो हो जाएगा and hence हो जाएगा एंड हेंस प्रूव नोट कर लीजिएगा साथ साथ आप नोट करते चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी ए बी

चलिए देखिए ये एंगल हमने एक्स और एक्स मान लिया था है ना ये एक्स हो गया था ये भी एक्स हो गया था क्यों क्योंकि ए बी और ए सी आपस में बराबर है अगर दो साइडें बराबर तो अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं ठीक हमें ये प्रूफ करना है कि ए एफ इज ग्रेटर देन ए एफ को हम मान लेते हैं एंगल बी मान इसको वाई मान लेते हैं इसे Y नाम देते हैं और इसे Z नाम देते हैं हमें ये प्रूफ कर दें इसके सामने एंगल हमें यह साइड प्रूफ करना है ए एफ और ए के बारे में प्रूफ करना है प्रूविंग करनी हमें प्रूफ दैट ए एफ इज ग्रेटर देन ए अगर ऐसा प्रूफ करना है तो ए एफ के सामने ये एंगल जो जेड है उसको बड़ा प्रूफ कर दें वाई से इफ अगर हम जेड को y से बड़ा प्रूफ कर देंगे तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा मतलब हमें क्या करना है एंगल को y से बड़ा प्रूफ करना है पहला टास्क तो हमारा ये क्लियर हो गया चलिए देखिए कर इसको करते हैं कैसे इसको समझिए ध्यान से ये जो z है बेसिकली मैंने यहां z आपको समझाने के लिए लिख लिया था लेकिन ये जो z एंगल है ये एक ट्राइंगल E, B, S, D. इस e, B, D का एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर टू जेड हो जाएगा तो प्लस एक, टू हो जाएगा ये जेड की वैल्यू आ गई हमारे लिए ठीक है अच्छा ये वाई है तो ये वर्टिकली अपोजिट होगा इसलिए ये भी वाई हो जाएगा ठीक अब जरा देखते हैं वाई के बारे में क्या है जेड इजल तो टू टू एक्स है वाई जो है ये जो एक्स है ये एक्स है एफ सी डी इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर ठीक है इसको मैंने स्मॉल डी नाम दे दिया एंगल को ठीक तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर देर फॉर वाई प्लस डी वाई प्लस डी ये इक्वेशन टू हो गया हमारा ठीक है अगर ऐसा है तो कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि x जो है वो दो चीजों का सम है तो इंडिविजुअली वो y से तो बड़ा ही होगा x इज ग्रेटर देन y क्लियर स्टेटमेंट गया हमारा थ्री वन एंड थ्री को ध्यान से देखिए z जो टू एक्स के बराबर है जो कि टू एक्स के बराबर और जो x है वो y से बड़ा है अगर x y से बड़ा है तो टू एक्स भी तो y से बड़ा होगा टू टाइम्स हो गया ना x का आर फोर फ्रॉम हम यहां लिखेंगे एक लाइन लिखेंगे ऐसे फ्रॉम वन एंड थ्री फ्रॉम वन एंड थ्री पहले और तीसरे स्टेटमेंट से क्या रिजल्ट निकल रहा है

AD बाइसेक्ट एंगल बी ये जो AD लाइन है AD ये बी इस एंगल को बाइसेट कर रही है मतलब ये और ये इक्वल हो गए हाफ एंड हाफ ठीक प्रूव दैट इनका जो इक्वल है इनको मैं एक्स और एक्स नाम दे देता हूं एक्स एंड एक्स ठीक प्रूव दैट ए इज ग्रेटर देन बी डी इज ग्रेटर देन बी डी ये ए है ठीक है पूरी लाइन ए और ये बी है ए बी इज ग्रेटर बी डी यानी ए बी के सामने वाला ये जो एंगल है और बी डी के सामने जो एंगल है वो दैट इज एक्स जो ए बी के सामने इसको मैंने जेड नाम दे दिया अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जेड इज ग्रेटर देन एक्स तो हमारा प्रूविंग हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करते हैं कि जेड जो है हमारा वो इससे बड़ा है चलिए जेड जो कि एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल एडीसी का ध्यान से देखो एडीसी का एक्सटीरियर है तो z इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस सी एंगल सी एक्स और c का सम होगा z देयरफॉर फोर जेड जो है वो x से बड़ा होगा z x से बड़ा हो गया और ये x और ये x आपस में बराबर है z x से बड़ा हो गया दैट मीन्स z के सामने वाली साइड ए बी है और जो x है x के सामने बी डी है ए बी इज ग्रेटर सिंपल था नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अच्छा ये तो था, एक पार्ट और है. ए सी इज ग्रेटरली ए सी इज ग्रेटर ए सी के सामने ये जो एंगल है ये वन एट्टी माइनस एड ये एंगल और सी डी प्रूफ करना है एक्स ये एंगल को मैं नाम देता हूं इसको मैं नाम यहां 180 Z माइनस जेड एट्टी माइनस अगर हमें साइड प्रूफ करना है ए सी ए सी के सामने एंगल कौन सा है एंगल है एक्स है ये प्रूफ कर दें कि वन एट्टी माइनस जेड इज ग्रेटर अगर ये प्रूफ कर देंगे तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा हमारा वन एटी माइनस जेड एक्स से बड़ा है कैसे देखते थोड़ा सा चेंज कर देते हैं वन एट्टी माइनस जेड नहीं लिख रहे इसको डी नाम दे दिया ठीक है हमें प्रूफ करना है ए सी इज ग्रेटर देन ए सी इज ग्रेटर देन प्रूफ करना है तो ए सी के सामने ए सी के सामने एंगल डी है और सी डी सी डी के सामने एंगल एक्स है हम अगर ये प्रूफ कर दें d इज ग्रेटर तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा देखिए कैसे इसको प्रूफ करते हैं ठीक है इन ट्रा एंगल ए डी ए बी डी ए बी डी में ध्यान से देखेंगे ए बी डी इसमें d इज द एक्सटीरियर एंगल तो एंगल d इज इक्वल टू वॉट एंगल ए बी डी ए बी डी प्लस एंगल x, ये वाला एक्स एंगल के और इस एंगल के इन दो एंगल के सम के बराबर होगा डी देर फोर एंगल हो गया एंगल थर्ड पॉइंट में क्या करना है देखिए सिंपली ए बी प्लस ए सी लिखा हुआ है ए बी और ए सी यहां पर दोनों को एड कर दो तो। इन दोनों को एड कर देंगे एड करते ही प्रूफ हो जाएगा तुरंत एड कर देंगे दोनों रूप ज्यादा कुछ नहीं करना होगा सिर्फ इन्हें ऐड करना होगा स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू को एड कर देंगे एड वन एंड टू ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी डी प्लस सी डी बी डी और सी डी बी डी और सी डी को सम करेंगे तो बी सी आ जाएगा एंड एंडहूर्ड